क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, IPL 2019 में हर एक मुकाबला एक से बढ़कर एक रोमांचक हो रहा है। दोस्तों, आज सुपर सैटरडे होने की वजह से आज के दिन दो मुकाबले खेले गए। इसमें से दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में मुंबई की टीम ने हैदराबाद की टीम को एक लो स्कोरिंग मुकाबले में मात देकर एक और रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल कर ली। इस मुकाबले में मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम को 137 रनों का आसान सा लक्ष्य दिया था, लेकिन इस मुकाबले में लिसिथ मलिंगा की जगह टीम में शामिल किए गए अल्सारी जोसेफ ने इस मुकाबले में तूफानी गेंदबाजी का मुशायरा किया और 6 विकेट हासिल कर लिए। दोस्तों, इस मुकाबले में जितना श्रेय वेस्टइंडीज के इस गेंदबाज को जाता है, उतना ही ज्यादा श्रेय कप्तान रोहित शर्मा को भी जाता है। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने धोनी जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल किया। रोहित का सही समय पर सही गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए लगाना इस मैच में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। रोहित शर्मा की इस बेहतरीन कप्तानी की वजह से और अल्सारी जोसेफ की बेहतरीन गेंदबाजी के चलते मुंबई की टीम ने हैदराबाद की टीम को 40 रनों से इस लो स्कोरिंग मुकाबले में मात दे दी। इससे पहले हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो हैदराबाद की गजब की गेंदबाजी के आगे अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाए। मुंबई के बल्लेबाजों ने इतनी खराब बल्लेबाजी की कि उनके पोलार्ड को छोड़ दे तो मुंबई का कोई भी बल्लेबाज 20 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। लेकिन आखिरी ओवरों में पोलार्ड की आतिशी पारी की वजह से मुंबई की टीम हैदराबाद की टीम को 137 रनों का सम्मानजनक लक्ष्य दे पाई। दोस्तों, हम आपको बता दें कि किरण पोलार्ड ने आखिरी ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने 26 गेंदों पर 46 रनों की आतिशी पारी खेली। इसी पारी में पोलार्ड ने 6 गगनचुंबी छक्के जड़े। तो दोस्तों, आपके मुताबिक इस लो स्कोरिंग रोमांचक मुकाबले का मुंबई जीत का असली हीरो कौन रहा? आप उस खिलाड़ी का नाम हमें नीचे कमेंट द्वारा जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।